दिल्ली के पीतमपुरा में पति ने पत्नी को चाकू से किया जख्मी, फिर गला रेत कर कर ली खुदकुशी, घरेलू कलह की वजह से हुई ये घटना। बरेली सड़क पर चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवारों ने कूद कर बचाई अपनी जान, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किया आग पर काबू। पंजाब के श्रीहर गोविंदपुर में फायरिंग, दो गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर चली ताबड़तोड़ गोलियां, दो की गई जान, कई अन्य हुए घायल। बठिंडा में युवक पर तलवारों से किया गया हमला, सड़क पर तड़पता रहा युवक, सैकड़ों लोग देखते रहे तमाशा। फिरोजाबाद में सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की घटना, पेट्रोल पंप से आरोपी ने चुराई बाइक। हरियाणा के पलवल में बदमाशों ने सरपंच की गाड़ी पर किया हमला, फायरिंग और शीशा तोड़ने का लाइव सीसीटीवी वीडियो किया है सामने। यूपी के गोंडा में गाड़ी की चपेट में आने से युवक की गई जान, स्कूटी सवार शख्स पर युवक को धक्का देने का आरोप, फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा से बिहार लाए जा रहे 320 कार्टन विदेशी शराब मुजफ्फरपुर में बरामद, पुलिस ने ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। नशे के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राय दुर्गम में पब पर मारा छापा, ड्रग्स लेने के आरोप में 24 गिरफ्तार। इम्फाल में भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस का संयुक्त अभियान, तलाशी के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद। असम के शिवसागर में कोचिंग सेंटर में शिक्षक की हत्या की गई, नाबालिग छात्र पर चाकू घोप कर जान लेने का आरोप। आंध्र प्रदेश के एनटीआरबी सीमेंट फैक्ट्री में धमाका हुआ, हादसे में 16 लोग बुरी तरीके से घायल हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मूवी हॉल के बाहर चाकूबाजी की घटना, दो युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, कार्रवाई में जुटे पुलिस। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चलती ट्रक में अचानक लगी भीषण आग, ड्राइवर और साथी ने कूद कर बचाई अपनी जान, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। झारखंड के बोकारो में दो समुदायों के बीच विवाद, शव दफनाने और जमीन को लेकर हुआ जोरदार हंगामा, भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। नौकरी नहीं मिलने के कारण बिहार के युवक ने वाराणसी में की आत्महत्या, पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने भी गोरखपुर में किया सुसाइड। बरेली में नाबालिग से शादी के बाद रेप के आरोप में युवक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, लड़की के पिता ने दर्ज करवाया था केस। सूरत में इमारत के ढहने से हुए हादसे में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया FIR, जानकारों के मुताबिक आरोपियों को पता था इमारत की हालत खराब थी। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश की वजह से जंगल में फंसे लोग, नदी में बाढ़ आने की वजह से महिलाएं समेत 24 लोग फंसे, SDRF ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तरी गोवा में झरने में फंसे लोगों को बचाया गया, गोवा में भारी बारिश का अलर्ट, कल बंद रहेंगे सभी स्कूल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश, वर्ली समेत कई इलाकों में सड़कों पर लगा पानी। पहली बारिश में ही खुल गई धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल की पोल, वार्ड में भर गया पानी, मरीज और तीमारदारों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड, मलबा सड़क पर आने के कारण फंसे 40 से ज्यादा लोग, राहत कार्य में जुटी है SDRF की टीम। उत्तराखंड के चंपावत में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी के किनारे पर फंसे कई लोग, SDRF की टीम ने सुरक्षित सभी को बचाया।
मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़, इम्फाल में कई फीट तक भर गया पानी, सड़कों पर चल रही है नाव। इम्फाल और आसपास के इलाकों में घरों में घुसा पानी, अधिकारियों ने हालात का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड की घटना हुई, सैकड़ों बीघा जमीन में जगह जगह दरार आने से मकानों और सेब के बगीचों को पहुंचा भारी नुकसान। राजस्थान के टोंक में बाढ़ जैसे हालात दिखे, पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह ने लिया प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। राजस्थान के करौली में जोरदार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल। कोलकाता में झमाझम बारिश, कई हिस्सों में जलभराव के कारण बढ़ी लोगों की परेशानी। बिहार की गंडक नदी में छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी, बेतिया और पास के इलाकों में जलभराव हुआ, घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर है वहां के लोग। ट्रक धंसने का आया लाइव वीडियो सामने, पावर हाउस रोड पर हुआ करीब 20 फीट गहरा गड्ढा। यूपी के हापुड़ में बारिश की वजह से नगर पालिका की 20 से ज्यादा दुकानें हुई क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोगों की जान। यूपी में भारी बारिश को लेकर सीएम योगी की एक अहम बैठक, बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा मुआवजा, फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी राज्य सरकार। अखिलेश यादव ने वाराणसी में जल भराव का वीडियो किया शेयर, लिखा प्रधान संसदीय क्षेत्र में क्योटो डुबकी लगाता है। असम के कामरूप में सीएम हेमंता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए उन्हें पीएम आवास योजना के तहत नए घर उपलब्ध कराने का भी दिया निर्देश। उत्तराखंड के चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई इसकी तीव्रता। राहुल गांधी हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात, राहत शिविरों का भी लेंगे जायजा। भोपाल में आज सुबह होगा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, करीब 9 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह, राम निवास रावत मंत्री पद के लिए सकते हैं शपथ। झारखंड में आज हो सकता है कैबिनेट विस्तार, सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और मंत्री। झारखंड में आज हेमंत सरकार की अग्नि परीक्षा, सरकार में बनी रहने के लिए करना होगा विधानसभा में विश्वास मत हासिल, 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने ली थी शपथ। आज से रूस के दौरे पर पीएम मोदी, 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, इंडो रशियन रिलेशनशिप पर दोनों देशों के नेता करेंगे चर्चा। यूक्रेन के साथ शुरू हुई जंग के बाद पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा, पीएम मोदी के लिए विशेष डिनर का आयोजन करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी के दौरे के लिए रूस की राजधानी में जोरदार तैयारी, रूसी और भारतीय कलाकार पेश करेंगे भारतीय सांस्कृतिक नृत्य। पीएम के रूस दौरे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा द्विपक्षीय मुद्दों और ट्रेड पर चर्चा के लिए यह बहुत अच्छा मौका। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर बौखलाए चीन, भारत को दी अमेरिका की कठपुतली न बनने की नसीहत, का स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे भारत।
रूस के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहा यह हमारे लिए विशेष सम्मान, स्वागत के लिए उत्सुक है। नासा के मंगल की तर्ज पर बन रहे घर में चार वैज्ञानिकों ने बिताए 378 दिन, बाल बिखरे और चेहरे पर मुस्कान। श्रीलंका का रिसर्च जहाजों से बैन हटाने का फैसला, अगले साल से विदेशी जहाजों से बैन हटाएगा, विदेश मंत्री अली साबरी ने किया इसका ऐलान। चीनी सेना पैंगोंग झील के करीब कर रही है खुदाई, अंडरग्राउंड बंकर भी किए तैयार, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सेहत पर उठ रहे हैं सवाल, डिबेट में बोलते हुए लड़खड़ाने के बाद से की जा रही चुनाव से हटने की मांग। ओबामा के पूर्व सलाहकार ने कहा जो बाइडेन को राष्ट्रपति के दौर से हट जाना चाहिए, उम्र का दिया हवाला। ब्रिटेन में रवांडा योजना खत्म, अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ब्रिटेन के नवनिर्वाचित पीएम केर स्टामर ने कहा ब्रिटेन का पुनर्निर्माण करेंगे। इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक, 16 की गई जान, 75 से ज्यादा लोग हुए घायल, सेना ने कहा स्कूल आतंकवादियों का अड्डा। संगीत सेरेमनी में अनंत ने चूमे सलमान खान के हाथ, राधिका मर्चेंट लगाए गले। भारत में कल्कि ने 466 करोड़ का कलेक्शन किया, 10वें दिन फिल्म में 106.29% की बढ़त। तमिल एक्टर और कमल हसन के को स्टार गोपीनाथ राव का निधन, बैंक की नौकरी छोड़ फिल्मों में की थी एंट्री। अकबर खान की 90 साल की मां ने बर्थडे पर काटा चाय की इतली वाला केक, मोतियाइरा ने शेयर की तस्वीर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरुचरण सिंह मुंबई पहुंचे, फिर से शो में आ सकते हैं नजर। सुरक्षी और लव सिन्हा की अनबन की खबरों पर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा, बोले परिवार पर हमला बर्दाश्त नहीं करूंगा। शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की नई फोटोशूट की तस्वीरें, लोगों ने जमकर की तारीफ। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत ने बनाई शादी की 9वीं सालगिरह, इंस्टाग्राम पर शेयर किया प्यारा सा वीडियो। दिलीप कुमार को पुण्यतिथि पर सायरा बानो ने किया याद, प्यारा नोट साझा कर सुनाए अनसुने किस्से।